इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि रावल के एवेन्यू पैनल को हम ऑटो लर्न कैसे करते हैं। ये हमारा चार लूप का पैनल है, ये हमारा चार लूप कार्ड है, लूप कार्ड फोर, लूप कार्ड थ्री, लूप कार्ड टू एंड लूप कार्ड वन। ये भी दो लूप कार्ड यूज में है और दो लूप कार्ड फ्री है हमारा। और बैटरी अभी नहीं लगाए हुए हैं तो पैनल में तीन फॉल्ट आ रहे हैं, एक बैटरी फेल और एक ये हमारा लूप कार्ड थ्री फॉल्ट एंड ये लूप कार्ड फोर फॉल्ट। तो बैटरी फील्ड के फॉल्ट को हटाने के लिए हम सिंपली यहाँ बैटरी लगा देंगे। ये हमारा हो जाएगा बैटरी नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव का पॉजिटिव में लगा देंगे, हमारा बैटरी फील्ड हट जाएगा। ये हो गया, अभी दो फॉल्ट आ रहा है, लूप कार्ड फोर फॉल्ट एंड लूप कार्ड थ्री फॉल्ट। और अभी हमारे पैनल से बीप की आवाज आ रही है, इसको एक्नॉलेज करने के लिए तो इसको हम एक्नॉलेज करने के लिए एसी के बटन दबाएंगे और पासवर्ड डालेंगे 1 2 3 4 एंड इंटर। ना ये बीप की आवाज हमारी बंद हो गई। अब हम लूप कार्ड फॉल्ट को हटाएंगे, उसके लिए हम प्रोग्राम में जाएंगे, मेनू प्रेस करेंगे, प्रोग्राम में जाएंगे, पासवर्ड डालेंगे 5 4 3 2 1 इंटर। अब हम जाएंगे सिस्टम में, सिस्टम में जाने के बाद हम जाते हैं एडवांस चार नंबर में, सॉरी एडवांस चार नंबर में, पासवर्ड डालते हैं 6 5 4 3 2 1 इंटर। अभी एडवांस में हमारा है एक्टिव लूप कार्ड लिखा है 4, यानी कि हमारा चारों लूप कार्ड एक्टिव है। अब इसको हमें दो लूप कार्ड एक्टिव करना है, दो बंद करना है, उसके लिए 1 दबाएंगे और एक्टिव लूप कार्ड के जगह तुक डाल देंगे, इंटर कर देंगे। अभी ये वेटिंग हो रहा है, थोड़ा टाइम लगा। अब हमारा फॉल्ट चला गया सारा, अब हमारा सिस्टम हेल्दी दिखा रहा है। अब हम इसको ऑटो लर्न करने जा रहे हैं। ऑटो लर्न करने के लिए अगेन मेनू प्रेस करेंगे, प्रोग्राम में जाने के लिए 2 प्रेस करेंगे, पासवर्ड डालेंगे 5 4 3 2 1 इंटर। अब हमें लूप कार्ड को ऑटो लर्न करना है तो लूप कार्ड 2 पे सेलेक्ट करेंगे तो 2 दबाएंगे। अभी ये लूप कार्ड 1 है, लूप कार्ड 2 में 0 0 डिवाइस है क्योंकि अभी हमने इसको ऑटो लर्न नहीं किया है, बट फील्ड में सारा डिवाइस इंस्टॉल कर दिया है। तो लूप कार्ड 1 को ऑटो लर्न करने के लिए 1 दबाएंगे। अब ये हमारा आ रहा है लूप कार्ड 1 का, 0 पे ऑटो लर्न, 2 पे स्टेटस, सॉरी 0 पे ऑटो लर्न, 1 पे स्टेटस, 2 पे स्टाइल, 3 पे डिवाइसेस। तो हमें ऑटो लर्न करना है तो ऑटो लर्न करने के लिए हम 0 प्रेस कर देंगे। अब ये ऑटो लर्न हो रहा है, ऑटो लर्न हो रहा है, थोड़ा टाइम लेगा तो अपने आप ऑटो लर्न हो जाएगा, तब तक के लिए वीडियो पॉज कर देते हैं। ये देखिए हमारा ऑटो लर्न हो गया है, इसमें टोटल 75 डिवाइस आ रहे हैं, इसमें से 2 MCP है, 3 आउटपुट मॉड्यूल है, 69 ऑप्टिकल डिटेक्टर है, 1 हीट डिटेक्टर। ये रहा हमारा ऑटो लर्न करने का तरीका, आप किसी भी लूप को ऑटो लर्न ऐसे कर सकते हैं। और बैक जाने के लिए स्टार दबाइए, बैक जाइए। और ये अभी इसमें क्लास को हमें बी टाइप में करना है, तो बी टाइप में, ए टाइप में करना, तो एक टाइप में करने के लिए यहाँ से नीचे वाले एरो को दबा के इंटर मार देंगे, क्लास ये हमारा ए टाइप में होगा। ये रहा हमारा एवेन्यू पैनल को कॉन्फ़िगर करने का तरीका, लूप करने का, ऑटो लर्न करने का। अभी इसमें सेम ऐसे ही एक से लेके चारों लूप कट को ऑटो लर्न कर सकते हैं।